नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो जगहों से डोडा पोस्त जब्त किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाय की दुकानों पर नशा बिकने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मेड़ता सिटी के SHO रोशन लाल ने बताया कि मेड़ता सिटी के गांधी चौक इलाके में एक चाय की दुकान चलाने वाले रामेश्वर गांची द्वारा नशा बेचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह एक और कार्रवाई मेड़ता सिटी शहर में ही पुलिस की टीम ने की है, जिसमें मेड़ता सिटी के पृथ्वीराज जी का थड़ा क्षेत्र में ये कार्रवाई की, जहां पर पुलिस ने मेड़ता सिटी निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया और उसके पास से 3 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त पुलिस की टीम ने जब्त किया है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ NDPF एक्ट के तहत मेड़ता सिटी थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। मेड़ता सिटी में नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई से नशा बेचने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लगातार नशा बिकने की सूचना मेड़ता सिटी में पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दो अलग अलग जगह पर दबिश देकर ये कार्रवाई की है। एक जगह चाय की दुकान पर डोडा पोस्त बेचा जा रहा था और पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमने गांधी चौक के पास में एक गली के अंदर चाय की दुकान से रामेश्वर गांची के कब्जे से 800 ग्राम डोडा चूरा पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और रामेश्वर गांची को इस मामले में गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है। कहां से डोडा चूरा सप्लाई किया गया, कौन लेकर गया, इस संबंध में उससे अनुसंधान किया जाएगा।